क्या भविष्य में वापस उनकी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है? भविष्य में अगर उनकी पोस्टिंग हो गई तो हमारी पोस्टिंग यहाँ अंदर होगी। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार आज की कवरेज हम दिखा रहे हैं, मनसे आक्रमक हुई थी वसई विरार महानगर पालिका पर, महानगर पालिका मुख्यालय पर मोर्चा लेकर आई थी। और मनसे के थाने पालकर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव लगातार 7 घंटे यहां पर बैठकर उन्होंने आंदोलन किया था। विषय था वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर माणिकपुर के सहायक आयुक्त द्वारा जो कार्रवाई की गई, और पिछले वीडियो में हमने बताया वो पूरा विषय आप सभी जानते हैं। अब इस मामले में फिलहाल ये निकल कर आया है कि मनसे के इस 7 घंटे के बड़े आंदोलन के बाद एक पत्र थमाया गया है। गिल्सन गोंसाल्विस के निलंबन नहीं बोल सकते, लेकिन उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है और उनको मुख्यालय में बुलाया गया है। आने वाले 1-2 दिन बाद प्रभाग समिति एच नवगर का कार्यभार दूसरे किसी अधिकारी को दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि मनसे पार्टी, जो आक्रामक पार्टी है, उसको इतना इंतजार करना पड़ा, 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा एक छोटे से कागज के लिए। तो आम जनता जिनकी अधिकारी जरा एक पल की भी नहीं सुनते हैं, आम आदमी की शिकायतों पर महानगर पालिका कब ध्यान देगी? नहीं देती ही नहीं है, ये हकीकत आज जाहिर हो गई। मनसे का आक्रामक मोर्चा था, सिर्फ यही नहीं, महानगर पालिका मुख्यालय ही नहीं, मनसे के कुछ नेता महानगर पालिका आयुक्त के घर के बाहर भी बैठे हुए थे। उस दबाव में ये कार्रवाई हुई। तो देखिए, मनसे नेता अविनाश यादव ने पत्र मिलने के बाद क्या कुछ कहा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। वहाँ का जो भी अधिकारी था जिसने ये सब किया था, उसकी बदली कर दी गई है। उसको तत्काल में कल से पीएम वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में ज्वाइन होने का आदेश दिया गया है। और उसके पास जो प्रभाग समिति एच है, वहाँ पे कल नए आदमी की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा लेटर में लिख के हमको दिया गया है। क्या भविष्य में वापस उनकी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है? भविष्य में अगर उनकी पोस्टिंग हो गई तो हमारी पोस्टिंग यहाँ अंदर होगी। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।